हेलो भाई, मैं अनुपमार किया से एल्टोज में। भाई स्टीरियो वगैरह डल चुका है, सारी चीज़ डल चुकी है, बस एक मेन जो कमी रह गई, जहाँ से साउंड आएगी वहाँ पे मेन चीज़ में यूज़ में आता है भाई, स्पीकर। और निक्कू भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं अपने बोस के, जो हम हमेशा से मैंने बोस के स्पीकर से डलते हुए आपको कई बार दिखाए हैं भाई अपनी गाड़ी के अंदर। लेकिन निक्कू भाई आज कह रहे हैं कि भाई आज मैं आपको कुछ फर्क दिखाना चाहता हूँ। दो डब्बे आज हमारे पास बोस के स्पीकर ही है निक्कू भाई, दोनों में बोस का स्पीकर है। ये देखिए, एक पे लिख रहा है हुंडई, एक पे लिख रहा है किया जेन्युइन पार्ट्स। और वही है ना, ये तो कंपनी की बात होगी, जैसे एक वो क्रेटा होगी उस पर हुंडई का लोगो, इस पे किया का लोगो, बात तो एक ही है। नहीं, ये दोनों में स्पीकर में भी फर्क है। क्या फर्क है भाई, दोनों कंपनियां बोस के स्पीकर में फर्क दे रही हैं। हाँ, दे रही है, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये जैसे आप क्रेटा का है, अच्छा एक क्रेटा वाला है, हम लगाते हुए आए थे पहले, एक क्रेटा वाला था, किया वाला ये रहा। क्या फर्क है देखो, आप वेट लो दोनों के हाथ में। ये किया का है, ये हल्का है, ये क्रेटा वाला भारी है, भारी है। उसके बाद सेफ देखो पीछे भी। अच्छा जी, ये ऐसा क्या सिस्टम है भाई? मुझे भी पता चला कि बस किया में दूसरा लग गया था, तो मैंने मंगवा के देखा, अभी लगाया नहीं, फर्स्ट आपकी गाड़ी में लगेगा। तो आप मतलब ह्युंडई के ही लगाते थे अभी? हाँ, ह्युंडई का रहे थे। हाँ बिल्कुल, ह्युंडई का ही लगाते थे। अच्छा, ठीक है। इसमें यहाँ पे बॉस लिखा हुआ आता है। हाँ अच्छा, ठीक है। इसमें डाई यहाँ पे आता है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कोई एक नकली हो एक असली हो? नहीं नहीं, ह्युंडई के हमने कितने टॉप मॉडल गाड़ी में भी काम कर रखे हैं, तो कंपनी से ही स्पीकर लग गया। लोग यही कहते हैं कि नकली है। नहीं, नकली नहीं है। हाँ ठीक है, इसका हुंडई से हम लेते हैं तो जो बिल के साथ आता है, बिल के साथ आप ले सकते हो इसको, कोई नकली नहीं, कोई बाहर से नहीं बनता है। ये किया का, किया में लग के आता है, सेल्टोस में टॉप मॉडल में, ये क्रेटा टॉप मॉडल में लग के आता है। वो इसे पर्दा देखने से सेम लग रहा है, ठीक है, सिर्फ मैग्नेट का फर्क है और वेट का फर्क है। पर यार पता कैसे चले यार, ये तो हल्का लग रहा है देखने में। आज करेंगे ना टेस्ट, करेंगे एक चारों ये लगाएंगे एक बार, और फिर चारों ये लगा के सेम गाना पे सुनेंगे किसका अच्छा है। और कितने पीस लेके आए हो? 8 पीस लेके आए। अच्छा, 4 हुंडई के, 4 किया के। हाँ। चलो आज लाइव देखते हैं भाई, फर्क भी बताते हैं। हुंडई ज्यादा अच्छा स्पीकर दे रहा है, किया दे रहा है। हाँ, प्राइस सेम है भाई दोनों का? हाँ प्राइस सेम है, प्राइस सेम है। बताओ, वैसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है यार अपने पास, जैसे यहाँ पे जैसे ये सेल्टोस है, इसके अंदर डल रहा है ये इन्फिनिटी का रेफरेंस सीरीज, अभी ये थोड़ा सा उसमें चला जाता है अपना लो बजट में। इसका क्या प्राइस जाएगा भाई? बॉस के स्पीकर 25,000 रुपये। 25,000 का चारों? और जैसे इन्फिनिटी के, जैसे किसी को ये डलवाने होते हैं तो सीरीज के ऊपर होता है। इन्फिनिटी का स्पीकर 6,500 से स्टार्टिंग हो जाता है। हाँ। और उसका भी स्पीकर 35-40,000 तक जाता है। अच्छा। सीरीज बाय सीरीज आता है, जैसे इन्फिनिटी का अल्फा ले लो, प्राइमस ले लो, रिफरेंस ले लो, कापा ले लो, सब अलग अलग मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। ये लेते क्यों नहीं कस्टमर, इनको पता नहीं होता क्या लोगों को? पता होता है, आप बहुत को चाहिए, जैसे आपको चाहिए सिंपल साउंड, बहुत को चाहिए कि बॉस के स्पीकर लगा के यार इतना महंगा मैंने खर्च कर दिया, समझ भी नहीं आ रहा है। अब वो उनको लाउडनेस चाहिए, तो आप कैसे समझा पाएंगे हम भी? तो लो भाई इन्फिनिटी JBL पे जाओ, उस पे मिल जाएगा। OEM चीज पसंद है थोड़ी सी हमको, तो उस तरीके से भाई OEM इसका स्टीरियो तो मिला नहीं था, लेकिन स्पीकर जरूर हम OEM डलवाएंगे। स्टीरियो भी मिल जाएगा, ज्यादा नहीं, 1 से 2 महीना वेट करना पड़ेगा, स्टीरियो भी आ जाएगा। क्योंकि पुराने वाले सेल्टोस का तो अभी भी है, क्योंकि जब पुराने वाले सेल्टोस था उसका भी कम से कम 6-7 महीने तक नहीं आया था, ऐसे ही चल रहा था, 7-8 महीने के बाद आया था। भाई दरवाजे वगैरह हमारे खुल चुके हैं निको भाई, डैम्पिंग का भी प्लान है क्या? हाँ डैम्पिंग का भी है। डैम्पिंग का फायदा क्या फिर से? एक तो चलो मैं बता दो फायदा क्या होता है। एक तो पहली बात थैली लगा हुआ है। अच्छा जी, वो स्पीकर पंच मारता है तो थैली ऐसे ऐसे करता है। हाँ, ठीक है। हाँ, पहले वाली तो है नहीं। और जितनी नई गाड़ी सब निकल रहा है उतना दरवाजा भी हल्का होते जा रहा है, कोई भी गाड़ी हो। ठीक है, पहले वाली किया से इसके में दरवाजे में बहुत फर्क है, चाहे आप चला के चाहे दरवाजा देख के पता कर लेना आप। और ये जो आवाज है ना, इस तारा बंद हो जाएगा, ठीक है, हार्ड दूंगा इसको, दरवाजा हैवी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे स्पीकर डल जाएगा, यहाँ पे स्पीकर डल जाएगा। ये देखो भाई, ये बंद करके देती है, कुछ भी नहीं देती। किया पहले जब भी देती थी वो हल्की से स्पीकर। हाँ, अब तो इन्होंने, इनको पता है भाई करोल बाग में जाकर खुलवा देना है इनको, फायदा नहीं है देने का। ये ऑटो फन की गोल सीरीज है। अच्छा, ठीक है। इसमें डैम्पिंग में भी अपने पास क्वालिटी होते हैं। अब डैम्पिंग 5-6 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाता है, 15-16 हज़ार तक का जाता है, जैसे जैसे कंपनी में जाओगे। ये ऑटो फन की गोल सीरीज सबसे बेस्ट डैम्पिंग है। कितने की है ये डब्बा? 11,000 रुपये का आता है।
एक डिब्बे में कितनी होती है? 10 सीटें होती है। और कितनी लगेगी सीट? 10 लग जाएगा। 10 सीट मतलब 11,000 रुपए का खर्चा है, डैम्पिंग का अलग से रहता है। अलग से ये वन टाइम लाइफ टाइम रहता है, लाइफ टाइम वाला है, जब तक है तब तक की गारंटी। और पर एक चीज और बता रहा हूँ, ये नहीं कि यही डैम्पिंग है, डैम्पिंग आपको सस्ता मिल जाएगा, 6,000 का मिल जाएगा, 7,000 का मिल जाएगा, इससे ऊपर भी मेरे पास है। जैसे कस्टमर जिस क्वालिटी का लेते उस क्वालिटी का। भारी कितनी रहती है भाई? मतलब एक सीट रहती है वो चिपकती है। जैसे अभी आपका थैली लगा हुआ है ना, दरवाजा अंदर है, खाली है ना, एक तो पहले सीट अंदर चला जाएगा, ये भर जाएगा, ठीक है, तो ये जो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद जो थैली है ना, जब मैं स्पीकर लगा पंच मारता है ऐसे, ये इस पे एक थैली जैसे लगा हुआ ऐसे लग जाएगा, बस खत्म है। ये देखो ये रहती है डैम्पिंग, ये 40, ये चिपकनी सी होती है इसके पीछे, और इसको ऐसे सांप की सी हुई तो बॉडी, इसको अंदर देखो, अंदर तो होगी है, बाहर इस तरीके से ढक दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट मतलब वो हैं उनको एक्सपोज कर देंगे। देखो ऐसे हाथ मारा, ये ऐसे डैम्पिंग चिपक गई, और जो तार तूर है उनको निकाल देंगे काट के, यहाँ से भी जगह रहती है। देखो और एक चीज और जोर करो भाई, देखो दरवाजे में ये लगा रखे हैं रोड सी, ये देखो अंदर यहाँ पे रोड वोड लगा के ये देखो चिपका रखा है, गांव में प्रॉपर ये जैसे किले होती है ना, ये सब चीजें। और देख पावर विंडो भाई बोस कंपनी के, BOS बोस भाई, देखो इससे भारी होते हैं क्या दरवाजे, इसीलिए इसको 3 स्टार मिले हैं। और देखो इन्होंने एक गम सी लगा रखी, अगर लोहे से लोहे की पत्ती वेल्डिंग करते तो वो गल जाता थोड़े दिन बाद, 2-3 साल बाद निकाल के देखते तो अरे ये क्या हो रखा। अब ये कुछ होना ना, इसका पिघलना ना कुछ ना, तो इसके ऊपर चढ़ती है डैम्पिंग है, इसके ऊपर ही चढ़ती है, नीचे चढ़ेगी एक सीट जो ऐसे ऊपर चढ़ेगी भाई। एक चीज है ये चीज ना सेम एक अल्टो में भी आती है, मेरे को अल्टो में भी यही थी सेम, और इसमें भी यही है। तूने हर चीज में अपग्रेड कर लिया, बस इसमें नहीं हो पाया, यही में ना हो पाया। देखना भाई क्या आज भी किस जमाने में जीरो किया वालो यार, इसको भी अपग्रेड कर दो सोनेट बेस मॉडल में। हाँ, उसमें मेरे वो आते हैं एडजस्टेबल, हाँ इलेक्ट्रॉनिक है, बताओ इसमें डंडी दे रहे हैं आज भी। भाई देखो ये बोस के स्पीकर जब हम लगाते हैं ना तो हमको थोड़ा सा ऐसे छीलना पड़ता है कपलर, क्योंकि ये पता नहीं किस तरीके से कपलर देते हैं, बढ़िया वाले तो देते नहीं, इसमें ये ऐसे कट होगा तब जाके लगेगा ये, प्लस वायरिंग कुछ कट नहीं होती, बस जो ये है ना प्लास्टिक वाला पार्ट ऊपर का ढक्कन सा ये कट होता है ओनली मात। चलो भाई अब अपने स्पीकर डल गए हैं, ये पहले किया वाले डले हैं, और स्टीरियो में इस तरीके का ये रहता है भाई ये, तो अब चला के देखते हैं, जरा गाना बजाता हूँ और फिर उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। पहले सुनो आप भी सुनो हमारे साथ। ठीक है भाई, ये हो गया इनका किया का जो आता है पतले, जो पतली मैग्नेट है। अब इनको भाई एक बार वाला लगवा के दिखाता हूं, एक बार क्रेटा का देख लेते हैं। ये देखो भाई ये वो चेंज हो गए हैं, अपने किया वाले हट रहे हैं। हाँ, किया वाले हट रहे हैं ना ये जी। हाँ, ये देखो ये था पहले किया का पतला वाला, और अब देखा ना ह्यूंडई का। ठीक है ये डालो मुझे इनमें ज़्यादा लगा इनमें ज़्यादा है अभी ये भाई। अभी हमने सारे सुन लिए हैं, दोनों ही सेम है भाई बिल्कुल, चाहे आप वो छोटा लगवाओ चाहे आप ये बड़ा लगवाओ, दोनों ही सेम है। वही बात है निकू भाई, कंपनी बहुत भेदभाव तो करेगी नहीं भाई, समझ रहे हो ना, दोनों एक ही ब्रांड है ये, तो दोनों में बोस के वही है। इसमें थोड़ा सा वेट लाइट करने के लिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का मटेरियल है, इसमें अलग है, बाकी क्वालिटी पूरा ये सब आगे से बिल्कुल सेम एज इट इज़ आवाज़ है, हमने हर तरीके से सुन के देख लिया है। अभी भाई हम ना वो भी ऐड करवाएंगे इसके अंदर वो ट्विटर, विदाउट ट्विटर, दो ट्विटर के बिना इसमें मजा नहीं आएगा आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फिर ये बेस बैकेंगे आपका ट्रेबल का काम करेंगे, ट्विटर वो यहाँ पे लगेंगे हमारे, हम गत्ता बिगड़वाना नहीं चाहते अपना, तो क्या है जब मिरर फोल्डिंग करवाएंगे ना तब लग जाएंगे वो, इतने थोड़े दिन वैसे ही सुन लेते हैं, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। इसमें भैया दुनिया भर की अलग अलग तरीके से सेटिंग होती है, देखो या स्टीरियो में ड्राइंग सी बनती है, ट्रेबल ट्विटर आपको जिस तरीके से मतलब चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हो। और एक चीज बात और है भाई, ये बोस वाले स्पीकर हर किसी को समझ नहीं आएंगे, पहली मैं बता रहा हूँ, जिनकी चॉइस है ना बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक, बहुत ज्यादा बेस नहीं, बहुत ज्यादा ट्रेबल नहीं, क्लियरिटी और वो सब की एक
मतलब कंबाइंड सा बढ़िया सा पंच आए, उनको समझ आएंगे अब जिनकी वो है कि भाई बेस ट्यूब लगवानी है, उसके लिए नहीं है भाई, नहीं, है ना? जिसको लाउडनेस ज्यादा सुनना है, क्लेवर ज्यादा सुनना, तो उनके लिए नहीं है। उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन भैया के पास मिल जाते हैं, JBL, इन्फिनिटी, किकर, बॉस, हाँ बहुत सारे ब्रांड है जो आप बोलो, हर रेंज में, हर रेंज में। तो निको भाई अब स्पीकर का खर्चा बताओ, जैसे बहुत लोगों का स्टीरियो कंपनी से आता है लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है आवाज से, तो बस उनको 25,000, देखो 25,000 रुपए का अपना स्पीकर है बॉस का, और जो आप डैम्पिंग आपकी गाड़ी में वो 11,000 रुपए का डैम्पिंग है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के अपना 35,000 रुपए ले आए और बढ़िया सिस्टम बनवा के लेके जा सकते हैं बड़े प्यार से आराम से। और ट्विटर और ऐड करवाएंगे हम, ट्विटर जब मिरर फोल्डिंग हो जाएगा ना तो वहाँ पे कट के लग जाएगा, जैसे आपकी गाड़ी में लगा हुआ था वैसे लग जाएगा। कहाँ पे आऊँ फिर मैं बताओ भाई? निक्कू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज। अब बारी आ गई भाई आप लोगों को फाइनल सुनाने की, जो हुंडई के स्पीकर हमने डलवाए हैं, जरा ये सुनने में कैसे हैं, सुनो अब आप। वैसे मैं बार बार कहूंगा ट्विटर्स के बिना इनमें कुछ दम नहीं है, मजा नहीं आएगा क्योंकि ये बेस ज्यादा फेंकते हैं आपको, वो छन छन और आवाज के लिए, वोकल्स के लिए वो सही ही गई। सुनो आप फिर भी प्यारी सेट है जो मैं क्यों मारूं, मिलने के चाम आज हो गया छोरा लेट, तू है किस्मत मेरी, चलूं गेल गेल तेरी गेल, भरेंगे गवाही रे ये सारे चांद तारे, तू बैठी रहे वे शामी छोरा भरे जाऊं भरे। बेस्ट है यार, बेस्ट है, मतलब अपनी छाछ को तो कौन इकट्ठी बताता है, मैं तो भाई नहीं बताऊंगा, मुझे बॉस के पसंद है, चलो इससे पूछ लेता हूँ भाई। ओ भाई साहब, आप ओनर हो गाड़ी के, कैसे लगे आपको कार की स्पीकर? एक नंबर भाई, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नो। कैसे भी 25,000 रुपए में वर्थ है ना, बिल्कुल टोटली वर्थ है भाई। चलो भाई ये सेटिस्फाई है, ओनर सेटिस्फाई है, और क्या लोगे यार भाई, अभी ट्विटर ऐड करवा देंगे ना जब, और ज्यादा स्वाद आएगा हमको इसमें। तो ये भाई बॉस के स्पीकर्स, आप चाहें तो fameofcars.com से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर बैठे बैठे वो आपको मिल जाएंगे, बाकी निक्कू कार डेकोर पे जाके इंस्टॉल भी आप करवा के आ सकते हैं। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।